हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार ऐसे स्टॉक के बारे में जो जब कोरोना वायरस की दिक्कत खत्म हो जाएगी, जब पूरा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम रिकवर करना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये वो चार स्टॉक होंगे जो सबसे पहले दौड़ना शुरू करेंगे उन चार शेयर के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोरोना से जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो भैया वो है स्पाइस जेट। एविएशन सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है स्पाइस जेट। अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो स्पाइस जेट एक काफी अच्छा स्टॉक है। एक और स्टॉक भी है, इंडिगो भी है, लेकिन स्पाइस जेट आप देखिए 38 रुपीज पर आ गया है। एक साल पहले ये शेयर 132-133 रुपए, इवन 150 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका था। आप देखिए वहां से टूटना शुरू हुआ है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही है कि भैया स्टॉक में इतनी गिरावट आखिर क्यों आ गई, क्योंकि भैया डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइटें सारी की सारी बंद हो चुकी है, कोई कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा है। इवन जिन जिन लोगों ने अपनी टिकटें ऑलरेडी बुक करवा के रखी थी वो लोग भी अपनी टिकट का कैंसिल करके रिफंड मांग रहे हैं। और तो और अभी भी आने वाले एक दो महीने के लिए भी कोई अपनी टिकट से बुक नहीं कर रहा है प्लेन से जाने की। तो साफ मतलब है इससे कोरोना के चलते अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें, अगर जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी कंपनियों की अगर हम बात करें तो भैया इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ 21 दिन के लॉकडाउन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका जो बिजनेस है वो दो दो तीन तीन महीने तक का फटका पड़ा है इनको। आप खुद सोचिए पूरा एक क्वार्टर के लिए कोई पैसा ना आना, बल्कि आपको पैसा खर्च करना है। पूरे एक क्वार्टर के लिए आपको पैसा खर्च करना है, आपको इनकम के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहां से इतनी बड़ी गिरावट की डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए एविएशन सेक्टर अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप खुद देखिए कि स्टॉक कहाँ तक पहुंचा, 140 रुपए तक शेयर ये पहुंचा है, अच्छा खासा प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर चुका है और काफी नीचे अब आ चुका है। 32-33 रुपए तक का लो बनाया और अभी जैसे कि न्यूज आई थी कि भैया स्पाइस जेट में बहुत बड़ी खरीदारी हुई थी, तो उसके बाद HDFC फंड की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने स्पाइस जेट में बहुत बड़ी खरीदारी करी और शेयर में एक बहुत बड़ी रैली उसके बाद देखने को मिली है। 32 रुपए का लो बनने के बाद शेयर ऊपर ही ऊपर उठ रहा है, 38 रुपीज तक भी ये शेयर पहुंच गया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग खरीदारी की सलाह दे, 23% यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्पाइस जेट की बात करें तो भैया कर्जा भी आप देखिए 1000 करोड़ से भी कम का इनके ऊपर कर्जा है, बैलेंस शीट भी काफी बढ़िया है और हर क्वार्टर में इन्होंने पैसा कमाया। सितंबर क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के हर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया हुआ है। और अच्छी बात है एविएशन सेक्टर को, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से तेजी आना शुरू हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही कोरोना की दिक्कतें खत्म होगी या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि लोग कहते हैं कि भैया 5 वीक का जो ऐसा हफ्ता है, 5 स्टेजेस जो है उसमें कोरोना, उसके बाद कोरोना धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, तो अभी ऑलरेडी इंडिया में 3रा स्टेज चल रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि भैया आखिर किस तरीके से मार्केट रिबाउंड करता है। उसके बाद जो दूसरा शेयर है वो तक है IRCTC। देखिए रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है और अपनी कंपनी और अपने सेक्टर का एक ही शेयर है ये, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प IRCTC, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। 1000 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, एक साल में आप देखिए शेयर 700 रुपए से उठकर सीधा 1950 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट आई कि शेयर 815 रुपए तक भी चला गया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए बहुत जल्दी तेजी भी आ गई, 815 रुपए का शेयर 1030 रुपए तक भी ट्रेड कर रहा है। देखिए गिरावट की वजह अगेन जैसे कि मैंने कहा कि भैया क्या हो रहा है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, रेलवे भी बंद हो रही है, रेलवे मतलब बंद पड़ी है, कोई ट्रेन चल नहीं रही है और रेलवे को मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी परमिशन मिलेगी। 21 दिन के लॉकडाउन के जब 21 दिन खत्म होंगे लॉकडाउन के, उसके बाद भी एटलीस्ट रेलवे को परमिशन नहीं मिलेगी कि भैया वो अपना काम काज शुरू कर सके, क्योंकि थोड़े भी केसेस अगर किसी भी स्टेट में होंगे तो रेलवे को तो परमिशन नहीं मिलेगी कि भैया वो शुरू हो सके। तो रेलवे की स्टॉक डेफिनेटली, लेकिन हाँ जैसे ही
दिक्कत खत्म होगी, सबसे पहले दौड़ना शुरू करेंगे। हालांकि अभी से दौड़ना शुरू कर दिया ऐसा, लेकिन उसके बाद भी शायद बढ़िया बाउंस बैक करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तीसरा जो शहर है वो है रेल, वो ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही छोटा शहर है, रेल विकास निगम। देखिए तकरीबन 14 रुपए पर आ चुका है, बढ़िया ग्रोथ इसने दिखाया है। शहर में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है, काफी बढ़िया स्टॉक है ये। और इसमें भी जैसे कि कहा कि रेलवे से जुड़ा हुआ शहर है और इसके चलते बहुत बड़ी गिरावट है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% खरीदारी की सलाह है, 50% यहाँ पर बेचने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर हम बात करें तो भैया देखिए 3,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा जरूर है, लेकिन हर क्वार्टर में बढ़िया से बढ़िया पैसा भी इन लोगों ने कमा कर दिया है। 200 करोड़ रुपए तक का मुनाफा हर क्वार्टर में आरबीएनएल रेल विकास निगम को हो रहा है। चौथा शेयर अगर हम बात करें तो भैया ये डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, जिसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क। तो देखिए आपको इसके नाम से अगर आपको पता ना चला हो कि भैया ये कौन सा शेयर है, तो आपको दिखा दे कि इनका बिजनेस कौन सा है। इसकी जो ब्रांड्स है जिसको हम डोमिनोज कहते हैं, बहुत ही फेमस है। उस बाद में डंकिन डोनट्स है, वो भी काफी फेमस है। कॉन्ग्स किचन है, वो ये तीन इनकी ब्रांड्स हैं, बड़ी ब्रांड्स हैं। और डोमिनोज हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको हर सिटीज में डोमिनोज मिल जाएंगे, डोमिनोज पिज्जा आपको हर सिटी में मिल जाएंगे। और तो और अगर हम बात करने जाए, देखिए अभी क्या हो रहा है कि गिरावट की वजह ये है कि कोई अभी बाहर भी खाने के लिए नहीं निकल रहा, क्योंकि सब लोग अपने घर में बंद है, सब लोग अपने घर में कैद है, तो कोई नहीं जा रहा है, इसलिए शहर में गिरावट है। 1,380 रुपए के ऊपर शहर आ चुका है। और अब देखिए कहाँ से गिरता हुआ शहर आया है, ये तकरीबन 2,000 रुपए से गिरकर नीचे आया है शहर, 2,000 रुपए से। इससे पहले अगर हम बात करें 1 साल पहले ही, तो पिछले साल अगस्त महीने में 1,100 रुपए के ऊपर शहर आ चुका था। उसके बाद देखिए बढ़िया बाउंस बैक किया और दिसंबर आते आते शेयर वापस से पहुंच गया, आप देख सकते हैं कि 1,800-1,900 तक पहुंच गया। लेकिन अब गिरावट आई, बाद में बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। तो पिछले 1 महीने का अगर हम चार्ट यहाँ पर देखें इसका, तो आप देख सकते हैं कि 1,700 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। लो बनाया था 1,227 का, फिर बाउंस बैक करके सीधा 1,470 पर पहुंचा, फिर गिरावट आ गई, फिर अब धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन आज गिरावट इसमें जरूर देखने को मिली है। देखिए स्टॉक काफी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी ये शेयर है, टेक्निकल रेटिंग भले भी उसकी खास अच्छी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, क्योंकि जैसे ही ये सारी चीजें खत्म होगी, लोग वापस से बाहर पिज्जा खाने निकलेंगे, पिज्जा खाने सब लोग वापस से बाहर निकलेंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिलीज के साथ। कर्जा 1 रुपए का भी नहीं है इनके ऊपर, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। आप देखिए हर क्वार्टर में 100 करोड़ रुपए ये लोग कमा रहे हैं, हर क्वार्टर में 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। आप देखिए 1,000 करोड़ के नेट सेल में 100 करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं ये, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया इनका प्रॉफिट मार्जिन है और काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ये शेयर भी है। तो ये चार ऐसे शेयर है जो है कि कोरोना की वजह से काफी ज्यादा पिटाई हुई है इनकी। एक स्पाइस जेट है, एक IRCTC है, एक रेल विकास निगम है और एक जुबिलेंट फूड वर्क्स है। देखिए इसके अलावा भी और कई सारे शेयर हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन ये चार ऐसे स्टॉक हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। हर प्राइस रेंज के आपको स्टॉक मिलेंगे, जैसे कि आरबीएनएल 14 रुपए के ऊपर है, स्पाइस जेट 40 रुपए के आसपास है, IRCTC आपको 1,000 रुपये अवेलेबल है और जुबिलेंट आपको तकरीबन 1,400 रुपए के ऊपर अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर यह है कि ये शेयर में तेजी आएगी, ये श्योर है, लेकिन तेजी कब आएगी? जब कोरोना वाली दिक्कत खत्म होगी। जब तक ये दिक्कत खत्म नहीं होगी, इसके शेयर में थोड़ी बहुत पिटाई होती रहेगी, थोड़ी बहुत पिटाई इसके शेयर में होती रहेगी। तो मैं यही कहूंगा कि नजर रखें इन शेयर्स पर, और अगर आपको जिस दिन आपको लगे कि भैया हाँ अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी लगाना शुरू कर सकते हैं। फंडामेंटली शेयर डेफिनेटली स्ट्रांग है, छोटी क्वांटिटी लगाए, अगेन मैं कह रहा हूँ अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है। आपको भले इसमें लगे कि भैया खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ना लगाए। देखिए जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी की है और लॉस में हो, तो भैया पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है, शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिकवर जरूर कर लेगा, वक्त लगेगा लेकिन रिकवर कर लेगा, लेकिन तब तक कितना बॉटम बना सकता है उसके बारे में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो खरीदारी की है तो होल्ड करें, ज्यादा पैनिक ना करें, लेकिन
फ्रेश बाइंग करने से पहले दो बार सोचे, फ्रेश बाइंग अभी मैं करने की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर किसी भी शेयर में। और अगर खास अगर रिटेल निवेशक को, अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हो तो आप छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन कह रहा हूँ छोटी क्वांटिटी खरीदी, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी ना खरीदे। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।